नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं शिमला रस्सा। आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये शिमला है, इसको अच्छे से हमें धो के लेना है। इसमें बहुत सारा मिट्टी रहता है। अब इसके बीच में हम इसे छुरी डाल देंगे। ये देखिए, एकदम एंड तक हमें इसे लेके जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ईजीली ऐसे ओपन हो जाता है। अभी इसे हम एक साइड से टिल्ट करके इसमें जो सारा मीट है वो हम एक शेल में लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा मिट्टी वाला पार्ट है, ये हम ऐसे दबा के इसको पानी से साफ कर देंगे। ये देखिए, इसे हमें धो के लेना है। ऐसे ही सेम हम बाकी का भी करके लेंगे। हमें पैन को अच्छे से गर्म करना है। इसमें हम डालेंगे सूखा नारियल। मैंने सूखे नारियल को अच्छे से ग्रेट करके लिया है। ये हम लेंगे 7 से 8 टेबलस्पून, और इसे हमें अच्छे से कंटिन्यूसली हिलाते हुए भून के लेना है। यहाँ पे हमें तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे हमें 4 से 5 मिनट लगते हैं दोस्तों सूखा नारियल भूनने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अच्छे से भून गया है। अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल के लेते हैं। अभी हमें सेम कदवे में ही डालना है एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, और इसी में हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा तेल। तेल को हमें ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना है दोस्तों, और इसे हमें अच्छे से मीडियम गैस पे फ्राई करके लेना है। अच्छे से हिलाते हुए हमें इसे भून के लेना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्याज का कलर है वो चेंज हो गया है। अभी इसी में ही हम डालेंगे फ्रेश नारियल। नारियल का जो क्वांटिटी है वो हमें बहुत कम लेना है, और जो सूखा नारियल है उसका क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेना है। अगर आपको पसंद है फ्रेश नारियल का टेक्सचर तो आप फ्रेश नारियल को बढ़ा सकते हो और सूखे नारियल को कम भी कर सकते हो। इसे भी हमें मीडियम गैस पे अच्छे से भून के लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ बड़े साइज़ का टमाटर, और डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से फिर से भून के लेंगे। जब हम इसे भून के लेते हैं, जो ग्रेवी का टेक्सचर रहता है वो बहुत मस्त लगता है दोस्तों। तो आप इसे भून के इस्तेमाल कीजिएगा। 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम गैस पे इसे अच्छे से भून के लीजिएगा। यहाँ पे अच्छे से भून के हो गया है। अभी हम गैस को बंद करके लेंगे। हमने सूखा नारियल को भून के लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से ठंडा करके मिक्सर में पीस के लेंगे। आपको जितना पॉसिबल है उतना कम पानी यूज़ करके इसे आप मिक्सर में बारीक करके लीजिएगा। यहाँ पे कढ़ाई में हमें लेना है तेल। 3 से 4 चम्मच हमें तेल लेना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन। यहाँ पे मैंने 2 से 3 लहसुन को कूट के लिया है। लहसुन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे वाटर जो हमने मिक्सर में पीस के लिया था। यहाँ पर इसे आपको जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आपको वाटन को कम ज़्यादा करना है। मैं यहाँ पे मीडियम थिक ग्रेवी बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने वाटन को थोड़ा ज़्यादा लिया है। अभी इसे हमें तेल में मीडियम गैस पे अच्छे से भून के लेना है। अगर आपका मसाला कच्चा रह गया है तो आप ये तेल में इसे अच्छे से भून के लीजिएगा। इसे में हम डालेंगे कोकम। के पास कोकम नहीं है तो आप इसमें आधा नींबू भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छे से सूखा हो गया है ये वाटन, और एक साथ में आ रहा है, मतलब ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो वो हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। स्वादानुसार डालेंगे नमक, और इसमें हम डालेंगे चिकन मसाला। यहाँ पे हमें आधा चम्मच चिकन मसाला डालना है, और डालेंगे फ्रेश करी पत्ता। एकदम थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे ताकि मसाले है वो जले ना, और मीडियम गैस पे इसे हमें अच्छे से मिला के लेना है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये शिमला। इसे हमें ये वाटन में अच्छे से मिला के लेना है, और इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पे आपको कितना थिकनेस चाहिए और कितना ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी इसे हमें मीडियम गैस पे 7 से 8 मिनट के लिए हमें अच्छे से पका के लेना है। इसे आप चावल या रोटी के साथ, दोनों के साथ भी आप खा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रेवी है और अच्छे से बन गई है, और बहुत यम्मी लग रही है दोस्तों। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।